हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कर्नाटक राज्य में स्थित जो पहाड़ की चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, इसके बारे में और यहां से जो जुड़ी जानकारियां हैं उसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। इससे पहले हमने पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में हमने देखा था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो स्थित पहाड़ की चोटियाँ हैं, जो पर्वत श्रृंखला हैं और उसकी विशेषताएँ क्या थी, उसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया था। तो आप लोग पिछले वीडियो को जा करके भी उसको देख सकते हैं और वहाँ से जो जुड़ी जानकारियाँ हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वह थी महाबलेश्वर चोटी, और उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो आपको वो वीडियो को जरूर जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कर्नाटक राज्य में स्थित पहाड़ की चोटियाँ हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं या तो फिर पहाड़ियाँ जो हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग मैप में देख ही रहे हैं कि कर्नाटक राज्य में तीन प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। एक है कुद्रेमुख पहाड़ी, दूसरा है बाबा बुदन पहाड़ी और तीसरा है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और इसमें कुद्रेमुख पहाड़ी की ऊंचाई है 1892 मीटर, बाबा बुदन पहाड़ी की जो ऊंचाई है हुआ है 1926 मीटर और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है 1608 मीटर। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों को देखते हैं। तो पहला है कुद्रेमुख पहाड़ी, तो यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में स्थित है। तो कर्नाटक का जो एक जिला है चिकमंगलूर जिला, उसी में यह स्थित है और इसका अन्य नाम है अश्वमुख और शमशेर पर्वत। मतलब इसका एक और नाम भी कहा जाता है, अश्वमुख भी कहा जाता है और शमशेर पर्वत भी कहा जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अश्वमुख पर्वत किसे कहा जाता है निम्न में से, तो आप इसका आंसर करेंगे कुद्रेमुख पहाड़ी को, यहाँ भी मुख और यहाँ भी मुख है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, अश्वमुख इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस पहाड़ की चोटी को अगर आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो इसका जो चोटी है वह घोड़े के मुख के जैसा दिखाई देता है, तो इसी कारण से इसको अश्वमुख भी कहा गया है। और साथ ही साथ इसका अन्य नाम है शमशेर पर्वत। दूर से देखने पर इसका जो मुख है वह अश्व यानी कि घोड़ा के जैसा दिखाई देने के कारण इसको अश्वमुख भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है हाइट जो है वह 1892 मीटर है, 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीन नदियां तुंग, भद्रा और नेत्रवती नदियों का उद्गम स्थान है। तो यह जो कुद्रेमुख पहाड़ी है उसमें से तीन नदियां निकलती हैं, एक है तुंग, दूसरा है भद्रा और तीसरा है नेत्रवती। तो इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है वह कुद्रेमुख पहाड़ी है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि तुंग भद्रा नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप इसका उत्तर करेंगे कुद्रेमुख पहाड़ी। अगला इसमें पॉइंट, लौह अयस्क के लिए यह पहाड़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह जो कुद्रेमुख पहाड़ी है यह भारत में लौह अयस्क उत्पादन के लिए यह पहाड़ी जो क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यह लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये एक नाम है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपको ये तुंगभद्रा नदी का जो उद्गम है वह जानना है, साथ ही साथ यह किस लिए प्रसिद्ध है इसको भी जानना है। तो यह पहाड़ी जो प्रसिद्ध है वह लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। अब हम अगला जो देखते हैं पहाड़ी वह है बाबा बुदन पहाड़ी, और जिसकी ऊंचाई है 1926 मीटर। तो बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में कुद्रेमुख पहाड़ी के समांतर स्थित है। दोस्तों, यह जो है बाबा बुदन की पहाड़ी यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में ही स्थित है, जहाँ पर कर्नाटक में ही कुद्रेमुख का जो पहाड़ी थे वह भी स्थित था। तो यह जो है कुद्रेमुख पहाड़ी के समांतर में है, तो दोनों लगभग समांतर में ही है, वह भी कहाँ, तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में। ये आपको ध्यान में रखना कि कुद्रेमुख पहाड़ी के समांतर में ही स्थित है ये बाबा बुदन की पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई है 1926 मीटर, यानी कि 1926 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यह भी है जानने के लिए, यह पहाड़ी लो एस के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कुद्रेमुख पहाड़ी भी लो एस के लिए प्रसिद्ध है और साथ साथ उसके जो समांतर में है बाबा बुदन पहाड़ी वह भी लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। तो ये दोनों जगहों से लो एस्क की प्राप्ति होती है और इसी के लिए ये फेमस भी हैं। इसके बारे में जानकारी है, बाबा बुदन के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। बाबा बुदन अरब प्रदेश से आए सूफी पीर थे जिन्होंने यमन से कॉफी भी लेकर भारत आए थे, और पहली बार भारत में कॉफी का उत्पादन इसी पहाड़ी पर हुआ था, इसी कारण से इसे कॉफी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बाबा बुदन के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है बाबा बुदन की पहाड़ी, और ये जो बाबा बुदन थे वह अरब प्रदेश से आए हुए थे बहुत सालों पहले, और उन्होंने वहाँ से मतलब यमन जो देश है वहाँ पर
वहाँ से कॉफ़ी भी लेकर के आए थे, और वह कॉफ़ी को भारत में सबसे पहली बार उत्पादन इसी पहाड़ी पर हुआ था, और इसी कारण से इस जो बाबाबोधन पहाड़ी है इसको कॉफ़ी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कहीं भी नहीं हुआ था, सबसे पहली बार हुआ था इसी पहाड़ी पर, और उसी के नाम से यह नाम पड़ा है इसका, बाबाबोधन पहाड़ी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहली बार जो है भारत में कॉफी का उत्पादन जो हुआ है वह इसी बाबा बुदन पहाड़ी पर हुआ था, और इसी कारण से इसे कॉफी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से, यानी कि निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी का नाम कॉफी पहाड़ी है, तो आप इसका करेंगे आंसर बाबा बुदन पहाड़ी। अब उसके नीचे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अगला जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और जिसकी ऊंचाई है 1608 मीटर। तो आपको इसके बारे में जो पॉइंट है उसको मैं बताता हूँ। तो यह कर्नाटक के कुर्ग या कोडागु जिले में स्थित है, कर्नाटक में कुर्ग या कोडागु जिला है, तो वहीं पर इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी की स्थिति है, जो लोकेशन है। इसकी ऊंचाई है 1608 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वह थोड़ी सी कम है इन दोनों की अपेक्षा, और उसकी ऊंचाई का जो है वह है 1608 मीटर। आपको यह ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चोटी है, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी का जो उद्गम है वह निम्न में से कहाँ पर है, या तो फिर पहाड़ी का नाम दिया हुआ रहेगा उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उत्तर है हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चोटी है, आपको यह जानना ही जानना है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी अभयारण्य यहीं स्थित है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ही ब्रह्मगिरी अभयारण्य भी बनाया गया है, तो यह ब्रह्मगिरी अभयारण्य ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको इस प्रकार से कर्नाटक में स्थित जो है तीन प्रमुख पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसके बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी और पालनी हिल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। तो यह जो नीलगिरी पहाड़ी आप लोग मैप में देख ही रहेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के मिलन स्थान पर है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है इसको देखते हैं। तो यह पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन पहाड़ी है। दोनों के मिलने से जो पहाड़ी का निर्माण हुआ है या फिर वहाँ पर जो पहाड़ी स्थित है उसी पहाड़ी को हम लोग कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों यह जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार भारत के तीन राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया गया है या विस्तार पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा या दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आपको यह याद रखना है कि डोडा बेटा जो है उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, यहाँ पर मैप में भी है, मैं बना दिया हूँ। और यह जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दोदा बेटा चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है डोडा बेटा वह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरे नंबर का सबसे ऊंची चोटी है, आपको यह याद रखना है। और इसी को हम लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह डोडा बेटा। तो इसको आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर पर कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डोडा बेटा, या तो फिर हम लोग कहेंगे कि दक्षिण भारत में अगर सेकेंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसमें भी होगा हमारा उत्तर दोदा बेटा या डोडा बेटा। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स भी करते हुए जाएंगे, ताकि अगर आप लोगों को और कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, जानने के लिए मौका मिलेगा, तो आप इस नोट से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उटकमंड इसी पहाड़ी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा नाम, या बहुत ने जानते होंगे कि ये जो ऊटी है यह एक पर्यटन स्थल है भारत का, और यह दक्षिण भारत में स्थित है, लेकिन यह जो ऊटी है वह नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है, और इसका जो विस्तार है यानी कि ऊटी जो है वह तमिलनाडु राज्य में है, आपको ये याद रखना है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ऊटी जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, क्योंकि इसका विस्तार है 3 राज्यों में और यह तमिलनाडु राज्य में है, आपको ये याद रखना है। अन्य पर्यटन स्थल मधुमलाई और कुन्नूर है। तो यहाँ नीलगिरी पहाड़ी पर अन्य अगर दर्शनीय स्थल को देखेंगे, पर्यटन स्थल को, तो उसमें मधुमलाई और कुन्नूर है। केरल का प्रसिद्ध साइलेंट वैली या शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर आप लोग करते हैं केरल। तो यहाँ पर यह जानना है कि यह जो शांत घाटी है या तो साइलेंट वैली है, वह नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी का बात कर रहा है, तो पहाड़ी में हो जाएगा हमारा नीलगिरी पहाड़ी, तो यह केरल राज्य में है। आपको याद रखना कि ऊटी तमिलनाडु में है और साइलेंट वैली केरल में है, तो यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो यह भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है तो आप इस सब में घूम भी सकते हैं। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इसी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है वह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, साथ साथ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, आप लोगों ने नाम सुना होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी है हमारा नीलगिरी पहाड़ी पर ही। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स या नीला पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न पहाड़ी में से कौन से पहाड़ी को या कौन से पहाड़ को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर करेंगे नीलगिरी पहाड़ी को, इसको नीला पहाड़ भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पहाड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो नीलगिरी पहाड़ी है उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से हमने देख लिया कि इसमें इसका विस्तार कहाँ पर है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, और इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल है, और साइलेंट वैली जो है ये साइलेंट वैली यह केरल राज्य में स्थित है और इसका विस्तार जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और इसी को हम लोग फिर कहते हैं ब्लू माउंटेन। यह भी आपको याद कर लेना है।